हाय एवरीवन, आज आपको मैं हार्ले 440X दिखाने वाला हूँ। सिंपल बात को हार्ले की सबसे सस्ती बाइक है ये, 440 सीसी की, ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है ये। लुक्स इसकी देख सकते हो एंड हाँ ठीक है, ये भी एक फैमिली बाइक है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। प्राइस मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा आपको, लेकिन आप एक बार ये ओवरलॉक पहले लुक ले लो बाइक का। यहाँ से आप देख सकते हो बाइक को, ठीक है, ब्लैक कलर में आती है, ये मैट ब्लैक कलर है। और जो हार्ले डेविडसन 440X लिखा है ये ग्लॉस में, ठीक है। सिर्फ ये एक सिंगल बैच है इस बाइक पे, और कहीं भी आप देख लो जैसे नॉर्मल बाइक्स पे आता है कहीं भी बैच नहीं है। बाकी इसका जो ये कफ कवर है इंजन का, ये वाले कवर हो गया या फिर ये हो गया, ये आपको गोल्डन कलर में देखने को मिलता है, जो और प्रीमियम बना देता है इस बाइक को। बाकी फ्रंट से देखिए तो वो इसका राउंड हेडलैम्प, राउंड इंडिकेटर्स, फुल LED सेटअप। अलॉयज चेक करो इसका एक बारी। 320mm की फ्रंट डिस्क है एंड 240mm की रियर डिस्क है एंड ड्यूल चैनल ABS है इसमें, ठीक है। टेल लाइट देख सकते हो, टेल लाइट का डिजाइन मैं सिंपल बोलना यार, मेरे को इतना अपीलिंग नहीं लगा पीछे से, लेकिन आप देख सकते हो ये भी LED है। ये इसके इंडिकेटर्स आ गए, इंडिकेटर्स आप देख सकते हो LED हैं एंड इसमें बहुत पतले पतले सा डिजाइन है एंड यहाँ भी आपका जो है हार्ले डेविडसन का लोगो बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आ जाएगा लाइसेंस प्लेट लाइट। बाकी यहाँ पे इसकी लाइसेंस प्लेट आएगी। इसका टायर देखो बहुत वाइड है, एग्जैक्ट इसका साइज बताऊँ टायर का, तो टायर का साइज कहाँ लिखा है इसका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 140 इंचेस की, तो मतलब टायर बहुत मोटा है, आप देख सकते हो पूरा हाथ मेरा टायर बहुत मोटा है इसका, ठीक है। बाकी ग्रिप का मेरे को इतना डाउट है इस पर, जितने इसके मतलब दांत हैं मेरे को डाउट है उसके ग्रिप का। बाकी ठीक है, हैवी बहुत है भाई, मैं सिंपल देख कहूँ बात तो हैवी बहुत ज़्यादा है ये, ज़्यादातर गोल ही है सारा कुछ। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको जो है गोल्डन टच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको हार्ले डेविडसन का लोगो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। हार्ले डेविडसन वगैरह लिखा कुछ नहीं, सिर्फ लोगो है। बाकी आप ऐसे देख सकते हैं, इसका जो मीटर है वो भी पूरा गोल है। बाकी इसमें हैजार्ड भी मिल जाएगा, SOS भी मिल जाती है इमरजेंसी के लिए, अगर आपको SOS चाहिए आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हॉर्न का मिल जाएगा स्विच, इंडिकेटर का, यहाँ से आप इसके जो मीटर को है कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त आपको मीटर नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बैटरी डिस्चार्ज है, तो ये नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे USB देखने को मिल जाएगी, तो USB लगा के आप यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा के मोबाइल ऊपर अटैच करीजिए एंड आराम से चलाइए। बाकी अब लाइट का तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हजार्ड का स्विच मिल जाएगा आपको, यहाँ किल स्विच ना मिलके यहीं पे किल स्विच देखने को मिल जाएगा, यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड जिसका पास स्विच है वो बड़ा यूनिक है, क्योंकि अगर आप आगे को कर देते हैं ये रिवर एडजस्टेबल कह सकते हो इसको, 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ कर दोगे हाई बीम, लो बीम एंड डिपर, ठीक है। बाकी साइड से देख लो एक बारी, साइड से दिखती है बाइक, ऑयल कूलर ये देखने को मिल जाएगा इसका। बाकी एक भाई बैठ के दिखा देता हूँ, बाइक है बहुत हैवी है, सिंपल एक बात कह रहा हूँ इतनी हैवी है ये बाइक। लेकिन हाँ, अगर सिटी राइड करना चाहते हो नहीं कर सकते, हाईवे राइड इसमें आराम से आप कर सकते हो। बाकी मेरे पैर एक बार ही दिखा दो कितने लग गए हैं, अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच में 5 या 5 अगर बाइक को आगे पीछे करना चाहते हो 5 इंच हाइट है, तो हार्ले डेविडसन 440X आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं। हैवी थोड़ी सी रहेगी एंड थोड़ी सी आप अगर हेल्थी हैं तो आप अगर बाइक सूट भी करेगी, लेकिन अगर आप देख सकते हैं इस बाइक को,
फ्रंट से लुक देख लो एक बार, ऐसी दिखती है बाइक, ठीक है। मिरर्स भी गोल ही हैं इसके, ऑल मतलब इसका जो सेटअप सा है वो बड़ा क्लासी सा है, सब कुछ गोल, सिर्फ ये टेल लाइट गोल नहीं है, ये फ्लैट सी है बस, बाकी ठीक है। ये इसके ग्रैब रेल मिल गए, ये इसके नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये ढोल की जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, ये वो आ गई। बाकी एग्जॉस्ट टिप इसकी बहुत मोटी है यार, ये देखो यहाँ पता नहीं कितनी उंगलियाँ घुस जाएं, ये दो ये तीन ये पाँच पता नहीं कितनी उंगलियाँ घुस जाएं। एंड अंदर आप डीबी कलर भी देख सकते हो, वो डीबी कलर लगा हुआ है इसका, जो कि रिमूव नहीं किए कर सकते हम। बाकी अलॉयज का डिज़ाइन अगर देखो ना तो आफ्टर मार्केट अलॉयज लगते हैं ये, लेकिन ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कंपनी फिटेड ही हैं। बाकी ओवरऑल कहूँ ना यार, 5 फुट से अगर ऊपर हो ना तो ये बाइक कंसिडर आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। मैं 5 फुट 5 इंचेस का हूँ, 6 इंचेस कह लो आप, तो आराम से बाइक हैंडल कर सकता हूँ। अगर दोनों पैर नीचे लगाए तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन हाँ भाई ये बाइक अगर ले लोगे ना भाई, ये आपको पता है कि मतलब क्या ही धांसु लगने वाली है बाइक, ठीक है। फ्रंट से देखो लगती हैवी है, लेकिन इतनी है नहीं। बाकी देख लो सारी गार्ड वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है, मतलब कि इट वी कैन कंसिडर दिस बाइक एज अ फैमिली बाइक, ठीक है। फैमिली बाइक अगर आपने एक फैमिली बाइक लेनी है और अच्छा खासा एक अमाउंट खर्चना है तो आप इसको ले सकते हो। बाकी क्लच इसका थोड़ा सा हैवी है, मैं सिंपल बात कहूँ, अगर आप डेली यूसेज को ये बाइक यूज़ करोगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो दर्द करनी शुरू कर देंगी। बाकी E20 के साथ जो लेटेस्ट मॉडल है ये E20 के साथ ही आ रहा है, बाकी देख लो यार, ठीक है। यहाँ से देख लो टैंक बहुत मैसिव है, ये देखो बहुत मैसिव टैंक है इसका। बाकी ठीक है भाई, बाइक तो बाकी अच्छी है, अगर आप इसको लेना कंसिडर करते हैं तो यू कैन गो विद इट। अगर थोड़े से हेल्दी हैं तो ये बाइक को आराम से उठा लोगे, अगर नहीं हो तो भाई फिर आपको दिक्कत आ सकती है आराम से, ठीक है। बाकी गियर स्टिक आप देख सकते हो, सिंगल गियर स्टिक है यहाँ पे, सिंगल गियर स्टिक है, वो नहीं है कि ऊपर नीचे, शायद इसमें क्विक शिफ्टर शायद है। बाकी देख लो भाई ऐसा कुछ है इसमें, ये इसका कूलर है, फ़ैन वगैरह तो इसमें नहीं मिलता क्योंकि ऑयल कूल्ड सिस्टम है, तो ऑयल कूल्ड में आपको फ़ैन नहीं देखने को मिलता। बाकी यार वीडियो यही थी हार्ले डेविडसन 440X की, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बाइक कैसी लगी ये भी बता देना। एंड अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता तो आप इसको लेना कंसिडर करते हैं, और कोई बाइक को लेना कंसिडर करते हैं, मेरे को ये भी कमेंट्स में ज़रूर बता के जाइएगा। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।